हाँ जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग हमेशा आपके लिए नई नई प्रॉपर्टीज़ लेकर आते रहते हैं सर्च माई प्रॉपर्टी पर, वैसे ही आज एक शानदार सा बंगलो आपके लिए लेकर आए हैं जिसकी लोकेशन होने वाली है इंदौर मध्य प्रदेश में राहू सर्कल के पास, या जो राजेंद्र नगर से लगा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी के डायमेंशन की, तो ये होने वाली है 20x45 900 स्क्वायर फीट ईस्ट फेसिंग, जिसका एलिवेशन आपको देखने मिलेगा इस तरीके से। फ्रंट होने वाला है 20 फीट का, डेप्थ होने वाली 45 फीट की। सामने अभी थोड़ा सा यहाँ पर काम चल रहा है, इसी वजह से मटेरियल यहाँ पर डंप है, बट आप एलिवेशन देख सकते हो इस तरीके से आ रहा है, जहाँ पर फ्रंट में लिया हुआ है डबल हाइट, जो आपको मेन गेट की एंट्री होगी ये डबल हाइट देखने मिलेगी। ऊपर एक बालकनी, उसी के साथ में साइड वाला जो फ्रंट बेडरूम उसकी विंडो यहाँ पर देखने मिलेगी, और फ्यूचर में जो इसे डेवलप करेंगे वो डेवलप करेंगे एज अ गार्डन। चलें यहाँ से अंदर की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका मेन गेट इसका अगर हम पूरा खोल लें तो ये हमें जो फ्रंट इसका मिलने वाला है वो मिलेगा प्रॉपर 10 फिट का, जो कि ये होने वाला है। सामने मिलेंगे पेवर ब्लॉक, जहाँ पर हमारी कार वगैरह इजीली खड़ी कर सकते हैं। और आएँ अंदर की तरफ, तो यहाँ पर मिलने वाली है हमें प्रॉपर पार्किंग टू व्हीलर की, जिसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो 8x10 का ये डायमेंशन होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर मिलने वाला है हमें प्रॉपर मीटर जंक्शन, जो अभी लगेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर होने वाला है वाटर टैंक, और इसी के साथ ये होने वाला है हमारा मेन गेट की एंट्री, जो प्रॉपर डिज़ाइन करी है वीनियर में। फ्रंट में मॉस्किटो गेट हमें यहाँ पर देखने मिलेगा, उसी के साथ प्रॉपर वीनियर में इसको डिज़ाइन किया हुआ है। बड़ा सा फिक्स्ड विंडो यहाँ पर आने वाला है, जो ग्लास फिक्स्ड होने वाला है, ये आपको प्रॉपर सनलाइट जो है वो देगा सेफ्टी के लिए। अंदर की तरफ से आयरन राफ्टर्स यहाँ पर दिए हैं, और इसकी जो चौखट बनाई है वो वीनियर में बनाई है। ऊपर की तरफ हमें पीवीसी शीट देखने मिलेगी, दो फोकस लाइट और एक प्रोफाइल लाइट के साथ, जो भी चालू होना बाकी है। इसी के साथ यहाँ पर हमें दिया है फ्रंट में वीडियो कॉल रिंग, जैसे कि अपन होता है जो घर पर डोर बेल होती है, वो यहाँ पर वीडियो के साथ दिया हुआ है कि जब हम इसे प्रेस करेंगे तो अंदर किचन के साइड में इसका प्रॉपर स्क्रीन लगा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हो कौन बाहर आया है। आप वहीं से खड़े होकर इसे आराम से बात भी कर सकते हो। एंट्री देना है नहीं देना है वो आपके हाथ में है। इसे खोलें तो प्रॉपर जो हमें चौड़ाई मिलने वाली है 4 फिट की मिलेगी, और जो हाइट मिलने वाली है प्रॉपर 8 फिट की मिलेगी। 4x8 का ये गेट हमें मिलने वाला है। वीनियर डोर ये होने वाला है, इसी के साथ एक बड़ा सा हैंडल इसमें हमें मिल जाएगा अंदर की तरफ पकड़ने के लिए, कि जैसे हम गेट को आराम से पकड़ पाएँ। बात करें स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो हम देख पा रहे हैं ये हमें मिलेगा प्रॉपर ब्लैक ग्रेनाइट, और इसी से आप समझ सकते हो कि सेमी फर्निश्ड जो हाउसेज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं प्रॉपर सेमी फर्निश्ड हाउस है, 2 बेडरूम जो है जिसका प्रॉपर इंटीरियर लिया हुआ है, उसके चार्जेस अलग रहेंगे। चलें अंदर की तरफ, तो बात करें गेट खोलते से, सबसे पहले इसकी जो चौखट बनाई है वो प्रॉपर वीनियर में बनाई हुई है, वीनियर डोर ये होने वाला है। और जैसे ही आप अंदर आओगे तो एक ग्रैंडनेस आपको देखने मिलेगी, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ दिया हुआ है डबल हाइट, जहां पर एक हैंगिंग शैंडेलियर बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो तो ऊपर आपको फॉल सीलिंग पीवीसी शीट में मिलेगी 4 सीलिंग साइड लाइट के साथ, और अगर आप चारों तरफ देख पाओ तो वहां पर JBL के स्पीकर्स दिए हुए हैं। वो क्यों दिए हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप अंदर आओ तो यहां पर डबल चार्ज बैटरी फेड टाइल आपको देखने मिलेगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर देखने मिलेगा आपको शानदार सा वॉलपेपर। लिविंग रूम की ग्रैंडनेस इसलिए ज़्यादा अच्छी है कि उसे इसमें डबल हाइट के साथ साथ एक बड़ा विंडो जो यहाँ पर लिया हुआ है ये देखने मिल रहा है, जैसे कि जब ईस्ट फेसिंग जब सनराइज होगा तो यहाँ से आपको वेंटिलेशन सनलाइट बहुत अच्छी आएगी, जिससे कि आपके घर में पूरे टाइम उजाला बना रहेगा। उसी के साथ इसकी जो पैनलिंग की है ये प्रॉपर वीनियर में की हुई है, और यहाँ से अगर हम बात करें LED पैनल की, तो LED पैनल लिया हुआ है प्रॉपर शानदार तरीके से। बीच में आप जो देख रहे हो ये माइका लिया हुआ है, जो कि मार्बल टच में लग रहा है, और ये सीलिंग तक हमें दिया हुआ है, जिससे कि जो LED पैनल है वो काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। वायरिंग प्रॉपर यहाँ पर निकाली हुई है कि हम हमारा TV जब लगाएंगे तो वायरिंग हमारी आराम से हो जाएगी। नीचे 2 बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे जिसमें आप अपना TV से सारा सामान रख सकते हो। अब बात करते हैं ऊपर के स्पीकर्स की, जो ऊपर दिए हुए हैं वो इसीलिए दिए हुए हैं कि उसका एम्पलीफायर कनेक्शन जो है वो आप जब TV लगाओगे उससे आप कर सकते हो, जिससे कि आपका जो TV का या आपका म्यूज़िक चलाते हो तो उसका जो साउंड है वो पूरा सराउंडिंग हो जाएगा। इसी के बाद अब आगे चलते हैं, तो अगर आप ये देख पा रहे हो ऊपर प्रॉपर यहाँ पर RCC किया हुआ है, जिस पर फॉल सीलिंग और आपको वॉलपेपर एक सीलिंग फैन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपकी इनफॉर्मल सेटिंग, यानी कि आप इसको प्रॉपर लिविंग में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक सोफा सेट सेंटर टेबल लगा सकते हो, वहाँ पर आपका ड्राइंग यूज़ हो सकता है, यहाँ पर प्रॉपर लिविंग यूज़ हो सकता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग आप आराम से जमा सकते हो। ये आपका लिविंग, और इसी के साथ साथ एक बड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आगे आए तो यहाँ पर चार्ज की स्टेप ली हुई है, जिससे कि जो ऊपर उठा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो टाइल कॉम्बिनेशन प्रॉपर चेंज हो गया है। मैट फिनिश यहाँ पर ब्राउन शेड में दिया हुआ है। जैसे ही आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है आपका डाइनिंग स्पेस,
डाइनिंग के साथ साथ आपका किचन, किचन के साथ पीछे की तरफ हमें मिलेगा हमारा एक शानदार सा मंदिर और स्टोर। तो बात करें पहले जब आएंगे तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जो होने वाला है वो आएगा पार्टीशन। पार्टीशन से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो मैं आपको बता रहा था VDP जो वीडियो डोर फोन का स्क्रीन जो है वो आप देख सकते हो इस तरफ दिया हुआ है कि आपके गेट पर कोई भी आएगा तो वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो और उससे बातें कर सकते हो। आगे की तरफ चलें तो पहले देख लेते हैं हमारा डाइनिंग एरिया कि यहाँ पर 6 लोगों की डाइनिंग आप काफ़ी आराम से लगा सकते हो। ये डाइनिंग टेबल आ चुका है, इसके चेयर्स जो है वो बेडरूम में भी रखे हुए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो दिया हुआ है आप एक तरीके से कंसोल टेबल में इसको कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने काफ़ी सारे सामान यहाँ पर रख सकते हो। नीचे आपको स्टोर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्रॉकरी आप यहाँ पर जमा सकते हो। उसी के साथ AC के जो लाइन्स हैं यहाँ पर निकाले हुए हैं और जो वॉलपेपर है वो लिविंग से आपके मंदिर तक यहाँ पर कंटिन्यू किया हुआ है। उसी के साथ साथ ऊपर की तरफ आपको फोकस लाइट्स देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको फैन या छोटा शैंडिलियर लगाना है तो उसके लिए स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ नौ बात करें मंदिर की तो मंदिर जो है वो इस तरफ दिया हुआ है, जिसमें हम बाहर की तरफ से अगर देखें तो एक साइड आपको CNC कटवर्क देखने को मिलेगा, उसी के साथ दूसरे साइड भी CNC कटवर्क देखने को मिल जाएगा। इसकी जो पैनलिंग की है ये प्रॉपर माइका में की है और बीच में जो स्पेस दिया है ये फ्लूट ग्लास दिया हुआ है जो गेट पर लगाया हुआ है। इसे खोलें तो मंदिर का जो स्पेस है वो इस तरीके से होने वाला है, जैसे मंदिर जो है वो काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है और प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है मंदिर में जो हमें यूज़ करने के लिए लगता है। नीचे में ड्रॉज वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे हमारा मंदिर से रिलेटेड सारा सामान रख सकते हैं। प्रॉपर पीछे आपको ओम देखने को मिलेगा और एक मंदिर का अच्छा एम्बियंस के आप अंदर मंदिर में बैठ के आराम से पूजा वगैरह कर सकते हो। उसी के साथ आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है ड्राई प्लेटफॉर्म, जहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन दिए हुए हैं, आप अपना मिक्सर ग्राइंडर माइक्रोवेव सारी चीज़ें चला सकते हो। आर्टिफैक्ट्स अगर आपको रखना हो तो उसके लिए यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, आप आराम से रख सकते हो। नीचे भी आपको स्पेस दिया है कि आपको किचन से रिलेटेड जितना सामान है आप आराम से दोनों तरफ जमा सकते हो। उसी के साथ और आगे बढ़ें तो अब स्टार्ट होता है हमारा मेन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम खड़े होकर हमारी रसोई बनाएंगे। वेजिटेबल अगर चॉप करना है तो हम यहाँ पर खड़े होकर आराम से कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट करवाना हो तो हम यहाँ पर करा सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगी आपकी वेजिटेबल रखने के लिए। नीचे आपको यहाँ पर टेंडम बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप कटलरी आराम से अपनी जमा सकते हो, यहाँ पे आप इसके अंदर अपने वेजिटेबल्स जो हैं आराम से रख सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पर खड़ोगे जब हम काम करेंगे तो हमारा चिमनी जो है वो प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, तो यहाँ पर मोशन सेंसर चिमनी जो है आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इस तरीके से दिया हुआ है। आप आराम से खड़ोगे सिंगल स्ट्राइड करेंगे तो आपका चिमनी चालू हो जाएगा और डबल स्ट्राइड करेंगे तो आपका जो चिमनी है वो बंद हो जाएगा इस तरीके से। उसी के साथ यहाँ पर आपको पूरे प्रोफाइल्स देखने को मिलेंगे जो फ्लूट ग्लास में दिए हुए हैं, काफ़ी शानदार लाइट अरेंजमेंट उसके अंदर दिया हुआ है जो आपको देखने को मिल जाएगा। खोलें तो इस तरीके से उसके अंदर डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पे आपको पार्टीशंस मिल जाएंगे, आप अपना सारा सामान हमारे किचन में होते हैं डब्बे वगैरह वो हम आराम से यहाँ पर जमा सकते हैं। इसी के साथ बात करें ऊपर की तो ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है वॉलपेपर के साथ, सीलिंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, सीलिंग फैन देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ इधर वाले प्लेटफॉर्म की हमने बात करी, ये है हमारा प्रॉपर ड्राई प्लेटफॉर्म, इवन इसको हम किसी भी चीज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि किचन में हमारे पास सफिशियंट स्टोर है। एक मेन प्लेटफॉर्म है, ड्राई प्लेटफॉर्म वहाँ भी है, उसके साथ यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक बेड प्लेटफॉर्म साउंडलेस सिंक के साथ इधर दिया हुआ है, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, सब्जियाँ धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसके पास हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा बड़ा स्पेस है कि हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। स्टोर आपको प्रॉपर सी शेप में देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर आप भर भर के अपने किचन में सामान रख सकते हो। उसी के साथ इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जहाँ पर आपकी ब्रेकफास्ट टेबल दी हुई है वहीं पर आपको दो हैंगिंग लैम्प देखने को मिलेंगे, जिसकी पैनलिंग जो की है वो प्रॉपर माइका में की है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ग्लास पार्टीशंस दिए हैं, जहाँ पर अगर आपको और कुछ सामान रखना है तो आप वो रख सकते हो। पीछे की तरफ आपको टाइल देखने मिलेगी और ऊपर की तरफ वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि भाई इतना शानदार किचन है, इसका वॉश एरिया कहाँ है? वॉश एरिया आपको यहाँ देखने मिलेगा, वीनियर के साथ इसका डोर दिया हुआ है, बीच में फ्रॉस्टेड ग्लास आपको देखने को मिलेगा। और खोलें एक अच्छी चौड़ाई के साथ हम हमारे वॉश एरिया में एंटर हो सकते हैं। जैसे ही आप वॉश एरिया में आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्पेस दिया है
ये दिया है वॉशिंग मशीन का, जिसका टैब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे उसके सॉकेट्स आपको मिल जाएंगे, वहीं उसका ड्रेन आपको देखने मिल जाएगा। क्या वॉशिंग मशीन चलाते हो तो यहाँ पे प्रॉपरली उसके सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। उसी के साथ साथ एक आपको वॉश बेसिन देखने मिलेगा, जिसमें आप खड़े होकर अपने सारे काम कर सकते हो। प्रॉपर मूवेबल आपको टैब्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नीचे एक वैनिटी देखने को मिल जाएगी, सब्जी वगैरह धोना हो, बर्तन वगैरह धोना हो तो आराम से हम खड़े होकर यूज़ इसको कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमें आरओ वगैरह लगाना हो तो उसके कनेक्शन वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ प्रॉपर अरेंजमेंट निकाले हुए हैं। उसी के साथ एक नल आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि अगर हमें वॉश एरिया में कुछ काम करना है सारा, तो यहाँ पर एक नल आपको और देखने मिलेगा। नीचे जो टाइल मिलेगी वो मिलेगी आपको मैट फिनिश, जैसे कि पानी के टाइम में जब होता है, जब यूज़ करते हैं तो पानी में हमारा पाँव ना फिसले, आराम से पकड़ बनी रहे। उसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया कि 900 स्क्वायर फीट 20x45 का ये प्लान होने वाला है जो आज हम देखने वाले हैं। हमने अभी तक हमारा लिविंग, डाइनिंग, किचन, मंदिर देखा। आपको एक एडिशनल चीज़ दिखाता हूँ जो यहाँ पर दी हुई है, वो है इसका स्टोर, जिसमें आप काफ़ी सारा स्टोर अपने किचन का रख सकते हो, राशनिंग कर सकते हो। बड़े हमारे जो कोठी होती हैं वो हम नीचे रख सकते हैं, ऊपर हमारे डब्बे वगैरह जम सकते हैं। तो एक अच्छा बड़ा स्टोर यहाँ निकाला हुआ है, प्रॉपर गेट उसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मिलेगी मॉस्किटो नेट और बीच में आपको देखने मिलेगा इस तरीके से गेट कि आपके किचन के साथ आपको स्टोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ ऊपर एक सीलिंग लाइट आपको देखने मिलेगी। और यहाँ से निकलें अब हम हमारे किचन से, तो हमारा लिविंग, डाइनिंग, किचन, मंदिर, स्टोर कवर हुआ। ग्राउंड फ्लोर का अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट बेडरूम, कॉमन वॉशरूम और स्टोर स्पेस। तो जो किचन का स्टोर देखा वो किचन से रिलेटेड है, बट उसके अलावा एक स्टोर हमारे पास और है कि हमारे लिविंग या घर से रिलेटेड सामान जो है हमें स्टोर में रखना है, तो वो यहाँ पर हमारे पास होने वाला है। इसे हम खोलें तो यहाँ पे एक अच्छा बड़ा स्पेस है जिसमें हम हमारा सामान यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि हमारे स्टोर में यूज़ हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई ज़्यादा सामान है, बड़ा सामान है स्टोर में रखने के लिए, तो एक बड़ा स्टोर रूम भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, बट अभी वो हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर स्टोर में सामान अगर रखते हैं तो एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पर हमें नेट दी हुई है, जिससे कि हमारा जो स्टोर का सामान है उधर प्रॉपर हवा जाती रहे। इसी के साथ अब हमारा स्टार्ट होता है कॉमन वॉशरूम और फर्स्ट बेडरूम। पहले आने वाली हमारी कॉमन वॉशरूम डोर वीनियर में देखने मिलेगा, चौखट जो बनाई है ग्रेनाइट में, बीच में फ्रॉस्टेड ग्लास, और जो वॉशरूम है वो काफ़ी सही तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर जो होने वाला है प्रॉपर आपका ड्राई पोर्शन, उसी के साथ एक होगा शॉवर सेक्शन, इस तरफ आपको मिलेगी वॉश बेसिन विथ वैनिटी, और यहाँ होने वाला है आपका मिरर प्रोफाइल लाइट के साथ। टाइल कॉम्बिनेशन वाइट में लिया हुआ है, सीलिंग तक टाइल, और प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन का प्रोविज़न यहाँ पर दिया है, जो हमेशा कॉमेंट्स रहते हैं कि एग्जॉस्ट कहाँ है, तो यहाँ पर एग्जॉस्ट का प्रॉपर प्रोविज़न दिया हुआ है सीलिंग लाइट के साथ। अब चलते हैं यहाँ से हम हमारे ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। वापस से डोर वीनियर में होने वाला है, चौखट वीनियर में होने वाली है। चले अंदर की तरफ तो एक बड़े से साइज का बेडरूम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। जब फ्रंट एलिवेशन देखा था तो जैसा मैंने आपको बताया था कि साइड गार्डन डेवलप होने वाला है, वहीं पर ये विंडो लिया हुआ है कि जब बाहर की तरफ गार्डन बन जाएगा तो यहाँ से जो व्यू आएगा वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो ये वेंटिलेशन विंडो आपको बेडरूम में मिल जाती है ब्लैक ग्रेनाइट के साथ, दो ग्लास पैनल, एक मॉस्किटो नेट, जो यहाँ पर सेफ्टी के लिए आयरन ग्रिल्स दिए हुए हैं, एसी के लाइनिंग निकाले हुए हैं। ऊपर की अगर बात करें तो हमें ऊपर फॉल सीलिंग देखने मिलेगी, बॉक्स शेप में प्रोफाइल लाइट और सीलिंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ एक हमें मिलेगा वॉलपेपर देखने, जो इस वॉल पे लिया है और काफ़ी शानदार ही लग रहा है। ऐसा तड़क भड़क वाले जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर नहीं लिए हैं, सूदिंग वॉलपेपर है। एक वॉलपेपर हमें यहाँ देखने मिलेगा और एक वॉलपेपर हमें उसके जो सामने वाली वॉल पर देखने को मिल जाएगा। इसमें हम बेड हमारा आराम से लगा सकते हैं, बेड लगाने का टीवी का स्पेस ही दिया हुआ है, वार्डरोब के लिए हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, उसके साथ एसी का प्रोविज़न दिया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए विंडो, यानी कि आपका जो बेडरूम है ईजिली कम्प्लीट हो जाता है। उसके साथ अगर बात करें वॉशरूम की तो हमें कॉमन वॉशरूम यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। तो इस तरीके से हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है वो कंप्लीट होता है। एक बार आप कंप्लीट नीचे का टूर लीजिए, क्या चीज़ें मिस हुई हैं वो बताइए, क्या चीज़ पसंद आई है वो भी कमेंट में बताइए। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे दो मास्टर कंप्लीट बेडरूम हमें देखने मिलेंगे फुल इंटीरियर के साथ, एक स्टोर देखने मिलेगा और उसी के साथ टेरेस पर हमें मिलेगी एक शानदार सी फैमिली सेट आउट। Thank you.
हाँ जी, नीचे का आपने कंप्लीट टूर लिया, अब चलते हैं हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो बात करें पहले स्टेयर की, ब्लैक ग्रेनाइट हमें यहाँ पर मिलने वाली है 3 फिट की चौड़ाई के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रीटेड वुडन हमें मिलने वाला है जो टफन ग्लास के साथ होगा, 2 स्टेयर पर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलें ऊपर की तरफ, तो इस तरफ हमें देखने को मिलेगी स्टेयर्स पर लाइट जो कि रात के टाइम काफ़ी सपोर्टिव रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखने मिलेगा हमें एक वॉलपेपर, एक लाइट, अभी यहाँ पर लैंप आना बाकी है। उसी के साथ और ऊपर की तरफ बढ़े तो एक हमें लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा प्रॉपर बड़ा स्टोर, जो मैंने नीचे बात कही थी। इसकी जो चौखट बनाई है वो बनाई है माइका में, यहाँ पर माइका डोर हमें देखने को मिलेगा। और चलें अंदर की तरफ तो एक बड़ा स्पेस आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे अगर साल भर का स्टोर कोई चीज़ हमें करनी है तो यहाँ पर हम आराम से रख सकते हैं। कोटा स्टोन हमें अंदर दिया है, 2 सीलिंग लाइट्स हमें अंदर की तरफ दी हुई है। इवन हम चाहें तो इसमें प्रोविज़न है फ़ैन वगैरह का, हम हमारे सर्वेंट को भी ये स्पेस दे सकते हैं। आगे की तरफ आएँ तो ये होने वाली है हमारी सेंटर लॉबी, जहाँ पर हम हमारा फैमिली सिटआउट बना सकते हैं एट ए टाइम। इसमें अभी हम बात करें तो यहाँ पर वॉलपेपर हमें देखने मिलेगा जो हमने हमारे लिविंग में देखा था, वही कंटिन्यू किया है इस वॉल पर, जो काफ़ी शानदार लग रहा है। उसी के साथ साथ इस तरफ वाली वॉल पर हमें मिलेगा 3D वॉलपेपर जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर एल शेप में सिटिंग, सोफ़ा सिटिंग, बीच में सेंटर टेबल आराम से लगा सकते हैं, जिससे कि यहाँ का जो चार्म है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। ऊपर की तरफ हमें मिलेगा सीलिंग फैन, प्रोफाइल लाइट्स के साथ सीलिंग लाइट्स देखने को मिल जाएगी जो कि यहाँ पर किया हुआ फॉल सीलिंग। और जब फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, बात करें डबल हाइट की, तो उसका नज़ारा कुछ इस तरीके से होने वाला है जो काफ़ी सुंदर लगने वाली है। फॉल सीलिंग हमने जो देखी थी वो हमें देखने मिल जाएगी। उसी के साथ साथ एक डबल हाइट का शैंडिलियर और यहाँ से जो लिविंग का व्यू आने वाला है वो इस तरीके से आने वाला है। बात करें अगर रेलिंग की तो MS में हमें यहाँ पर रेलिंग देखने को मिलने वाली है टफन ग्लास के साथ, जैसे आपकी जो सेफ्टी है उसका पूरा कंप्लीट ध्यान रखा हुआ है। ब्लैक ग्रेनाइट पर 4 स्टड्स के साथ उसको लगाया हुआ है। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर के बैक साइड के बेडरूम में, जो कि यहाँ होने वाला है। माइका से इसकी पैनलिंग की है, माइका डोर आपको यहाँ देखने मिलने वाला है और ये बेडरूम जो है फुल कंप्लीट होने वाला है इंटीरियर के साथ। जैसे ही अंदर आएंगे तो इस वाले रूम में पूरा एक थीम लिया हुआ है जो कि पर्पल टोन में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करें एंटर होते से तो टाइल हमारी वही रहने वाली जो हमने नीचे देखा है, डबल चार्ज बैटरीफाइड टाइल। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें किंग साइज बेड मिलने वाला है जो कि पर्पल थीम में लिया हुआ है। उसी के पीछे की बात करें तो ये होने वाला है बेड हेड, जो वो भी पर्पल थीम में लिया हुआ है। वॉलपेपर को आप देख सकते हो, ये बच्चे का रूम है तो उसकी जो थीम है उसको उस तरीके से पूरा कंप्लीट किया हुआ है। इस रूम में बेड हमें देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ यहाँ पर साइड स्टूल देखने को मिल जाएंगे, सारे सॉकेट्स हमें यहाँ पर देखने मिल जाएंगे हमारे सारी चीज़ों के। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने मिलने वाली स्टडी टेबल जो वापस से एक पर्पल थीम में ली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ड्रॉज देखने मिल जाएंगे, यहाँ पर प्रोफाइल लाइट और यहाँ पर बुक शेल्फ्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर हमारे बुक्स वगैरह हम आराम से जमा सकते हैं। स्टोर रखना है कोई चीज़ में तो वो हम यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। ओवरहेड स्पेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसी के साथ तैयार होने के लिए यहाँ पर दिया है ड्रेसिंग टेबल जो एक ओवल शेप में है। इसी के साथ यहाँ पर हम कॉस्मेटिक वगैरह जो चीज़ें हमें रखना है, रेडी होना है, उसके लिए हमें स्टोर यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ पीछे हम हमारा कॉस्मेटिक सारी चीज़ें रख सकते हैं। नीचे की तरफ हमें फिर से 2 ड्रॉज मिल जाएंगे और उसी के साथ साथ इस तरफ हमारे पास प्रॉपर आर्टिफैक्ट स्पेस है जहाँ पर हम सारे आर्टिफैक्ट्स हमारे आराम से जमा सकते हैं। उसी के बाद LED वॉल की अगर बात करें बेड के जस्ट अपोजिट साइड की वॉल, तो यहाँ पर लिया हुआ है प्रॉपर वॉलपेपर जो कि बच्चों के हिसाब से इंस्पायर्ड है, एक पर्पल टोन है। उसी के साथ नीचे LED पैनल हमें देखने को मिल जाएगा जहाँ पर हम काफ़ी सारा स्टोर हमारा रख सकते हैं, TV से रिलेटेड सामान रख सकते हैं, वायरिंग हमारी कंप्लीट की हुई है। उसी के बाद अगर बात करें ऊपर की तो फॉल सीलिंग जो है काफ़ी शानदार लग रही है। बॉक्स शेप में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी प्रोफाइल लाइट, 4 सीलिंग लाइट्स के कॉर्नर्स पे देखने को मिलेगी, बीच में देखने मिलेगी हमें प्रोफाइल लाइट्स और एक सीलिंग फैन देखने को मिल जाएगा। AC की लाइन निकाले हैं और वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो उस तरफ दिया हुआ है जहाँ पर 2 ग्लास पैनल, एक मॉस्किटो नेट जो है देखने को आपको मिलने वाले हैं, जिसकी पैनलिंग जो की है वो ब्लैक ग्रेनाइट में की हुई है। उसी के साथ इस तरफ होने वाले हैं कंप्लीट वार्डरोब जो आप देख सकते हो एक बेडरूम की थीम के साथ हैं। नीचे आपको मिलने वाले हैं फिर से ड्रॉज जहाँ पे अपना काफ़ी सारा स्टोर रख सकते हो, सामान रख सकते हो, वार्डरोब में आप अपने सामान आराम से जमा सकते हो। इसी के बाद सारी चीज़ होने के बाद भी रूम में काफ़ी ज़्यादा स्पेस निकला हुआ है। उसी के बाद अब बात करते हैं इसका वॉशरूम कहाँ है, तो इसका जो वॉशरूम है
वो आपको देखने मिलेगा। इस तरफ जो पैनलिंग करी है वॉल की, वो करी है ब्लैक ग्रेनाइट में माइका डोर के साथ, बीच में फ्रॉस्टेड फिल्म यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ। चले अंदर की तरफ, तो इसका जो वॉशरूम है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले जब आप एंटर होगे तो आपकी नज़र जाएगी इसकी टाइल पे, टाइल सिलेक्शन बहुत खूबी से किया हुआ है। जब लाइट का इम्पैक्ट उस पर आ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा निखर कर दिख रही है। ये वाला जो पोर्शन है ये शॉवर सेक्शन है और एक अच्छा बड़ा स्पेस है आपके शॉवर में, जहाँ पर आप आराम से शॉवर ले सकते हो और एक सारी चीज़ों का स्पेस यहाँ पर अच्छे से निकाला हुआ है। उसी के साथ साथ बीच में ग्लास सेपरेटर आपको देखने मिलेगा। ग्लास सेपरेटर से आगे की तरफ चले तो यहाँ पर वुडन टाइप का फ्लोर दिया हुआ, हालांकि टाइल है ये, बट यहाँ पर वुडन टाइप में दी है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा आपका कबोर्ड सेक्शन और उसी के साथ यहाँ पर देखने मिलेगी आपको वॉश बेसिन की यूनिट, जहाँ पर 3 मिरर्स आपको देखने मिलेंगे। उसी के साथ साथ पीछे की तरफ आपको प्रोफाइल लाइट, टाइल कॉम्बिनेशन का जो लाइट्स जा रहा है तो काफ़ी शानदार लग रहा है वो। और नीचे की तरफ आपको वैनिटी के साथ साथ स्टोर मिल जाएगा, जहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हो। और उसी के साथ वॉश बेसिन के साइड में भी आपके पास काफ़ी सारा स्पेस है, आपको कुछ सामान यहाँ पर रखना है आपके वॉश बेसिन में तो आप आराम से जमा सकते हो। तो इस तरीके से आपके जो वॉशरूम है काफ़ी शानदार डिज़ाइन करा है, एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान यहाँ पर रखा हुआ है। हैंगिंग शॉवर आपको ऊपर देखने मिलने वाला है और ऊपर फॉल सीलिंग के साथ 2 सीलिंग लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये जो वॉशरूम था ये कम्प्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ से हम हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा सेकेंड फ्लोर पर, और वो होने वाला है हमारा फ्रंट का रूम, जहाँ पर एक एडिशनल बड़ी बालकनी और इससे बड़ा रूम और उसका ड्रेस देखने को मिलने वाला है। बट उसके पहले एक बार इस वाले फ्लोर का आप टूर ले लीजिए, फिर चलते हैं ऊपर। उस बेडरूम को देखने के बाद हम देखेंगे फैमिली सेटआउट और उसके बाद बात करेंगे सारी चीज़ों की। फ्लोर आपने देखा, फर्स्ट फ्लोर आपने देखा, अब चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, जहां हमारा होने वाला है एक मास्टर बेडरूम। वापस से अगर बात करें स्टेयर की तो 3 फीट की चौड़ाई हमें मिलने वाली है, ब्लैक ग्रेनाइट मिलने वाला है, वुडन का टॉप, टफन ग्लास। और ऊपर की तरफ आएँ तो यहाँ पर सामने में फिर से वही वॉलपेपर देखने मिलेगा जो हमने नीचे वाले स्टेयर पर देखा था। एक यहाँ पर अभी लैंप आना बाकी है। ऊपर की तरफ आपको शानदार सा शैंडिलियर देखने को मिल जाएगा, स्टेयर्स पर लाइट एज इट इज़ देखने मिलेगी। और ये वाला होने वाला है हमारा थर्ड बेडरूम और यहाँ से होने वाला है हमारा टेरेस सेट आउट। बट पहले चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, जो कि होने वाला है ये पैनलिंग की है माइका में, माइका डोर ये होने वाला है। टाइल सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, वही टाइल ली है जो हमने हमारे फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर देखी है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो इस रूम का इंटीरियर वाकई में बहुत शानदार किया हुआ है। जब आप अंदर आओगे तो आपको देखने मिलेगा किंग साइज़ का बेड, उसी के साथ साथ बेड हेड जो कि सीलिंग तक लिया हुआ है। दोनों तरफ आपको देखने मिलेंगे लोअर्स जो दोनों साइड लिए हैं, उसी पर आपको दोनों साइड लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग, बॉक्स शेप में प्रोफाइल लाइट, 4 सीलिंग लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर बात करें बेड के अपोजिट साइड की, तो यहाँ पर लिया हुआ है प्रॉपर LED पैनल, जो कि लिया माइका में है बट फील आपको पूरा मार्बल फिनिश देने वाला है, उसका थीम यहाँ पर लग रहा है। नीचे की तरफ आपको पूरा LED पैनल का यूनिट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आप अपने LED से रिलेटेड या अपने रूम में और भी सारे सामान होते हैं वो यहाँ पर आप आराम से जमा सकते हो। वायरिंग हर चीज़ की कंप्लीट की हुई है कि आपको नया वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है। इवन बेड के आगे आपको वापस से एक स्टोर मिलेगा जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। और यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं आपको प्रॉपर वार्डरोब सेक्शन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के अलावा एक ड्रेस आपको और भी देखने मिलेगा बट यहाँ पर एडिशनली और लिया हुआ है, जहाँ पर आप मेल फीमेल वार्डरोब बना सकते हो। नीचे आपका स्टोर दिया हुआ है। बेड के दोनों साइड बेड स्टूल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको मिलेगी आर्टिफैक्ट स्पेस, जहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट जमा सकते हो। प्रोफाइल लाइट इस पर दी है कि जब आप कोई चीज़ यहाँ पर जमाओगे तो जब ये लाइट का इम्पैक्ट उस पर आएगा तो वो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगेगा। इसी के साथ साथ AC के जो लाइन्स हैं वो निकाले हुए हैं। और फ्रंट बेडरूम है तो इसका एक मेन बेनिफिट जो है वो ये होने वाला है कि आपको आगे की तरफ एक बड़ी बालकनी देखने को मिल जाएगी। पैनलिंग माइका में की है, यहाँ पर आपको जो देखने मिलेगा वो एक मॉस्किटो नेट ये देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ एक मिलेगा आपको ग्लास पैनल, प्रॉपर डोमाल सेक्शन ये दिया हुआ है। और खोलने की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी चौड़ाई हमें मिलती है हमारी बालकनी में जाने के लिए। बालकनी में जैसे ही आए तो मैट फिनिश स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ऊपर आपको मिलेगी PVC शीट, जहाँ पर 2 फोकस लाइट, 1 प्रोफाइल लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें सेफ्टी की तो आयरन MS का यहाँ पर हमें
रेलिंग मिलने वाला है, नीचे टफन ग्लास, 3 स्टड्स पे ये दिया हुआ है ब्लैक ग्रेनाइट के साथ, जिससे आपकी जो सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखा हुआ है। एक हमें यहाँ पे नल फिटिंग मिलने वाली है, जिससे कि हमें अगर हमारी बालकनी में कोई पानी का यूज़ करना है तो वो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी के बाद बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ड्रेस एरिया, जो आप ये देख सकते हो प्रॉपर गेट, फ्रॉस्टेड फिल्म, फ्रॉस्टेड ग्लास उसमें दिया हुआ है। और खोलकर चले अंदर की तरफ तो यहाँ पे फिर से हमें ड्रेस मिलने वाला है, जहाँ पे मेल फीमेल हमारे वार्डरोब्स हम बना सकते हैं। एक अच्छा स्टोर यहाँ पर दिया हुआ, उसके अंदर प्रोफाइल लाइट आपको देखने मिल जाएगी, ड्रॉज देखने मिल जाएंगे कि हमें कोई सामान हमारा रखना है। उसी के साथ साथ नीचे की तरफ हमारे पास फिर से स्पेस देखने को मिलने वाली है, इस तरीके से आपके वार्डरोब्स जो है वो होने वाले हैं। उसी के साथ साथ नीचे फिर हमें यहाँ पर स्पेस मिलने वाली है, और अगर हमें बैठ के आराम से तैयार होना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक पफी दिया हुआ है। यहाँ पर मिलने वाली हमारी ड्रेसिंग टेबल, जिसे हम खोलेंगे तो इस तरीके से पीछे हमारा कॉस्मेटिक रख सकते हैं, तैयार होते टाइम हमारा सामान यहाँ रख सकते हैं, और एक ड्रॉज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को फिर से मिल जाएगा। इवन ये पफी जो है इसको हम अंदर की तरफ खसका सकते हैं, जिससे आपके ड्रेस में जो अच्छा खासा स्पेस है वो बन जाता है। ऊपर की तरफ 2 सीलिंग लाइट्स आपको देखने मिल जाएगी वार्म वाइट कलर में, और यहाँ से मिलने वाला है आपको आपकी वॉशरूम का एंट्रेंस, जहाँ से आप अंदर जा सकते हो। माइका डोर ये होने वाला है, बीच में फ्रॉस्टेड ग्लास मिलने वाला है, ब्लैक ग्रेनाइट से इसकी चौखट बनाई है। और खोल के चले अंदर तो ये जो वॉशरूम है ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होने वाला है। जब आप एंटर होगे तो सबसे पहले फ्रंट में आपको मिलेगी वॉश बेसिन, जो हमें मॉर्निंग में नीडेड होती है जब हम आते हैं फेस वॉश करने के लिए। यहीं पर आपको देखने मिलेगा एक शानदार सा मिरर, जो लाइटिंग अरेंजमेंट्स के साथ है, इसमें आप लाइट्स चेंज कर सकते हो। ब्लैक टाइल आपको पीछे देखने मिल जाएगी, नीचे वैनिटी आपको देखने मिल जाएगी कि जो भी आप वॉशरूम से रिलेटेड सामान है वो रख सकते हो। एक साइड आपको देखने मिलेगा आपका कमोड सेक्शन, और बात करें टाइल की तो ब्लैक मैट फिनिश टाइल यहाँ पर लिया हुआ है नीचे की तरफ, जो काफ़ी शानदार लग रहा है। ऊपर जो लिया है ब्लैक ग्लॉस टाइल लिया हुआ है, जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी शानदार लग रहा है। उसी के साथ आपको एक चीज़ बताऊँ, वॉशरूम में आपके पास काफ़ी स्पेस है कि अगर कुछ सामान आपको रखना है तो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। ऊपर 2 सीलिंग लाइट्स आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात होगी कि भाई ये तो वॉश बेसिन और ड्राई सेक्शन हो गया, हमारा शॉवर सेक्शन कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ग्लास सेपरेटर के पीछे आपका शॉवर सेक्शन होने वाला है, जो कि ग्लास सेपरेटर से सेपरेट किया हुआ है। स्लाइडिंग ग्लास करें तो यहाँ पर होने वाला है हमारा नीचे वुडन टाइल के साथ, ये टाइल आपको नीचे देखने मिलेगी वुडन पैटर्न दिया हुआ है, और यहाँ पर भी टाइल आपको देखने मिलेगी वुडन पैटर्न में इसको लिया हुआ है। ऊपर पीवीसी सीलिंग लाइट्स के साथ देखने मिलने वाला है, जहाँ पे प्रोफाइल लाइट लिया हुआ है, हैंगिंग शॉवर लिया हुआ है, और इस तरफ प्रॉपर वेंटिलेशन लिया हुआ है, जिससे कि आपका जो शॉवर सेक्शन है वो प्रॉपर एक साइड हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो वॉशरूम है वो डिज़ाइन किया हुआ है। ये था हमारा सेकेंड फ्लोर का फ्रंट साइड का बेडरूम, जिसमें हमने ड्रेस देखा, वॉशरूम देखा, और कंप्लीट बेडरूम का एक टूर लिया। अब चलते हैं हमारे टेरेस गार्डन की तरफ, बट उसके पहले एक बार आप इसका कंप्लीट टूर ले लीजिए, फिर चलेंगे हमारे टेरेस सेटआउट की तरफ, जो अभी कंप्लीट होना बाकी है, आधा काम हुआ है, और वहीं हम बात करने वाले हैं लोकेशन, प्राइस, साइज, सारी चीज़ों की। देखा, फर्स्ट फ्लोर देखा, सेकंड फ्लोर का बेडरूम देखा, अब चलते हैं हम हमारे टेरेस साइड। 4 स्टेप लेंगे, जहां पे हमें वापस से लाइट्स मिल जाएंगी, रेलिंग हमारा वुडन और टफन ग्लास होने वाला है, माइका डोर, माइका की चौखट होने वाली है। खोल के चलें तो इस तरीके से हमारी टेरेस होने वाली, जहाँ पे हमें प्रॉपर सेट आउट दिया हुआ है। जैसे ही आप आओगे तो भी यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास आना बाकी है। इसी के साथ साथ यहाँ पे 2 हैंगिंग लैंप हमें दिए हुए हैं, एक नॉब यहाँ पे दिया है कि अगर हमें झूला वगैरह लगाना है तो हम यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। ये अगर हम यहाँ पर चाहें कि हमें कोई यहाँ पे एक ड्राई प्लेटफॉर्म चाहिए है तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, और आराम से यहाँ पे एक सेट आउट बना सकते हैं जहाँ पर हम बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं। उसी के अलावा आगे की तरफ आएँ तो ये होने वाला है हमारा प्रॉपर टेरेस, और उसी के साथ साथ यहाँ पर फिर से एक सेट आउट टाइप का अरेंजमेंट किया हुआ है कि अगर हमें बारिश में कोई चीज़ सुखाना है, यहाँ अगर हमें यहाँ पर नीचे सेट आउट बनाना है
तो वो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब बात करें इसके लोकेशन की, तो ये होने वाली है सिलिकॉन सिटी राजेंद्र नगर के पास, इंदौर मध्य प्रदेश। अगर ऐसी प्रॉपर्टी आप सिलिकॉन साइट देख रहे हो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में, तो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो भी दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप पर्टिकुलर मकान के विजिट्स प्लान करना चाहते हो तो भी दिए नंबर पर कॉल करके अपने विजिट्स प्लान कर सकते हो। मैं था सच में प्रॉपर्टी से अविनाश, कैमरे के पीछे शिरीष। मिलते हैं फिर से एक शानदार सा वीडियो के साथ। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया तो कर लीजिए, और अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, सेल परचेस से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ अपने मीटिंग्स भी प्लान कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉपर्टी आप देख रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, आप खुद के लिए, तो भी दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने विजिट्स हमारे साथ प्लान कर सकते हो।